आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये इस वीडियो को पूरा देखे रहे, स्टोरी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में एक अजन्मे यानी अंडों के जन्म की कहानी है, जो कुछ इधर उधर भटक रहे थे और इसी से जुड़ी ये कहानी स्टोरी, किस तरह इसको मैं उनको अंडे को इनकी माँ की घोंसले में पहुंचाता हूँ। ये वीडियो पूरा देखे और ये पसंद आए तो आगे शेयर करे, लाइक करे। देखते हैं ये आगे की कहानी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस घास में कुछ अंडे पड़े हुए हैं, वैसे दिखने में तो ये 3 अंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ 4 अंडे थे, जो एक अंडा यहाँ फूट चुका था, लेकिन 3 अंडे बचे हैं जो इस घास में पड़े हैं, शायद बिखर चुके हैं और इनकी माँ भी शायद इनको भूल चुकी होगी या शायद इनकी तलाश में इधर उधर भटक रही होगी। लेकिन बाद में मैंने यहाँ जुगाड़ करके एक बाड़ के अंदर कुछ घास इकट्ठी करके यहाँ मैंने रखने का फैसला लिया और कुछ घास बना के यहाँ रखा और फिर उसमें पतली घास बना के रख दिया कि ये सोच के कि शायद इसकी माँ यहाँ पास में ही इन अंडों को ढूंढ सके, इसलिए मैंने इन अंडों को उठाकर यहाँ रखने का फैसला लिया। शायद ये मुश्किल की घड़ी हर जानवर इंसान या पक्षियों के ज़िंदगी में ऐसी घटना होती रहती है। मैंने इन अंडों को उठाया लेकिन देखा कि एक अंडा इनमें से वजन में हल्का लग रहा है, मानो इसके अंडे के अंदर कुछ इसके बच्चे का जीव नहीं हो, यह हल्का दिख रहा था। फिर भी मैंने इन अंडों को यहाँ इनमें रखने का फैसला लिया और यहाँ मैंने रख दिया कि शायद इसकी माँ ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुँचे और ये अपने बच्चे को जन्म दे सके, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। इन अंडों को लगभग 1 महीना हो गया, न तो इनको कोई किसी ने खाया और न ही इनकी माँ ने इसको कभी संभाला है। अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ऐसा ही घोंसला किसी एक अंडे में है, उसमें अगर ये उसमें वहाँ रखूँ, अगर वो दूसरी चिड़िया इसको एडजस्ट कर ले तो बढ़िया बात है, अगर नहीं तो बरसात में ऐसे ही फूट जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस अंडे को जहाँ एक घोंसला बना रखी चिड़िया, उसमें भी सेम अंडा है, एक दिया अभी तो, अगर इसको वहाँ रख दूँ, अगर वो चाहे तो इससे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। देखते हैं, देखो ये इसकी माँ जो दूसरी माँ है, दूसरी चिड़िया है, वो इस अंडे को स्वीकार कर पाएगी या इस अंडे को रख पाएगी या फिर ये अंडे नष्ट होंगे। देखते हैं आगे, और अगर इस वीडियो को पूरा देखें बताएंगे कि अंडे वहाँ टिक पाएंगे, इनसे बच्चे उत्पन्न होंगे या नहीं, ये प्रक्रिया आप पूरा देखें। इन अंडों को वहाँ शिफ्ट करने के लिए मैंने इन घास सहित 3 अंडों को उठा लिया है और हम इन घोंसले में शिफ्ट करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो घोंसला है, इनमें एक अंडा पहले से चिड़िया दे चुकी हैं और हम इन 3 अंडों को इनमें शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन 3 अंडों की ज़िंदगी का सवाल है और ऐसी दुर्घटनाएँ आसपास आप या मेरे कहीं भी हो सकती हैं, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, किसी में भी ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि कोई अनाथ होता है तो उसको पता होता है कि अकेलापन कैसा गुजरता है। आज इन्हीं अंडों में ऐसी अकेलापन गुजर रहा है। इन अंडों को हम इन घोंसले में शिफ्ट कर देंगे। ये आप देख चुके हैं कि 4 अंडे हो चुके हैं, एक पहले था, 3 हम लेके आए हैं, 4 अंडे हो चुके हैं। अब इन 4 अंडों को हम यहाँ इस घोंसले में रख देंगे ताकि ये जो नई चिड़िया है ये इन बच्चों को जन्म दे सकेगी और इसी से इनका नया जीवन संवरेगा। अब हम देखेंगे कि क्या ये चिड़िया इन बच्चों को, इन अंडों से इन बच्चों का जन्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये एक दया भावना है जो सब में होती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो या पशु हो, हम सब में होती है। लेकिन ये भावना है, कौन करता है, कौन नहीं करता है, कोई दिमाग से निकालता है, कोई देखकर ही निकाल देता है, लेकिन मेरे मन में ये भावना थी और मैंने ये
कर दिया। और ये स्टोरी मैंने आपके सामने रखी है, शायद अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी घोंसले में हमने दो अंडे वहाँ से लाकर रखे, तीन अंडे लाकर रखे थे, उसमें से एक अंडा फूट गया है और इस चिड़िया के पहले से एक अंडा दे रखा था। मैंने आपको बोला था कि वो जो खेत में पड़े थे एक महीने से अंडे, उस अंडे को हमने यहाँ लाकर रख दिया। अब ये चिड़िया इन अंडों को स्वीकार करेगी नहीं करेगी, इसका फैसला या ये इसका नजरा जो भी प्रक्रिया होगी हम सुबह देखेंगे। ये भी माँ है और वो माँ जो अंडे को देख छोड़कर भूल गई थी, अब ये चिड़िया इन अंडों को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इसकी प्रक्रिया जो भी होनेगी हम सुबह बताएंगे। रात भर में क्या होता है इन अंडों के साथ, देखते हैं ये चिड़िया क्या करती है, इनको स्वीकार करती है या नष्ट करती है या खाती है या इनसे बच्चे उत्पन्न होंगे। देखते हैं, एक अंडा इनके पहले था और दो अंडे और लाखे रखे हैं। अब इनकी जानकारी पूरा वीडियो देखने के लिए आप लगातार ये वीडियो पूरा देखें और सुबह देखेंगे कि ये चिड़िया क्या करती है आगे। रात को हमने बोला था कि कल हमको हम आपको बताएंगे कि उस घोंसले में जो चिड़िया है वो उन अंडों को स्वीकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आज देखते हैं उस घोंसले में वो दोनों अंडे पड़े हैं या उसने कहीं गिरा दिए या खा लिया या नष्ट कर दिया। देखते हैं, आओ देखिए इस घोंसले में वो अंडे। देखो एक कैमरा अंदर जा रहे हैं और आप देखना कि उसमें ये आप देख रहे हैं कि इस घोंसले में लगभग चार अंडे दिखाई दे रहे हैं। जो पहले कल एक अंडा था और उसमें हमने दो अंडे और रख दिए और शायद चिड़िया ने एक अंडा और दिया, लगभग चार अंडे हो चुके हैं। अब इसके बाद लगभग ये पता चल चुका है कि अंडे हैं चिड़िया ने स्वीकार कर लिए हैं और ये इसी जाति की चिड़िया के अंडे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये चिड़िया अंडे को स्वीकार करेगी और किसी प्रकार से नष्ट नहीं करेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जल्द ही इन अंडों से बच्चे उत्पन्न हैं। और ये आपको वीडियो अच्छी लगे हैं और ऐसी दया भावना आप भी दिखाना चाहते हैं तो आसपास इसी तरह कोई अंडे या बच्चे हो तो उनकी माँ तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि कहीं कोई न कोई किसी को सहारा के रूप में मिल ही जाएगा। जय हिंद।